हेलो व्यूअर्स, और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को देखा था, और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंसेस की। और इसमें हम बात करेंगे कि यह रेजिस्टेंसेस को हम किन वेज में कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे ओवरऑल रेजिस्टेंस मुझे कितना मिलता है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो टॉपिक हम आज लर्न करने वाले हैं, दैट इज सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस। यहाँ पे मैंने दो टेबल्स बनाए हैं, एक सीरीज कनेक्शन के ऊपर, एक पैरेलल कनेक्शन के ऊपर। तो हम जानते हैं कि किस तरह एक दो या दो से अधिक या मल्टीपल रेजिस्टेंसेस को हम सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, और पैरेलल में इसे किस तरह कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेस हैं, R1, R2, R3। यहाँ पे भी हमारे पास R1, R2, R3 थ्री रेजिस्टेंसेस है। तो इसे पहले मैंने सीरीज में कैसे कनेक्ट किया है। तो सीरीज में कनेक्ट करने के लिए हमें किसी भी एक रेजिस्टेंस के सिर्फ एक एंड को उस दूसरे रेजिस्टेंस के एंड पे कनेक्ट करना होता है। कभी भी इसका दोनों एंड आपस में कनेक्ट नहीं होता, जबकि पैरेलल में हमें किसी भी एक रेजिस्टेंस के दोनों एंड को दूसरे रेजिस्टेंस के दोनों एंड से कनेक्ट करते हैं। अब इस कनेक्शन के बारे में हमें और डिटेल तब पता चलेगा जब हम इस पर्टिकुलर पॉइंट और इस पर्टिकुलर पॉइंट ए एंड बी पॉइंट, जिसके बीच में सारे रेजिस्टेंसेस को हमने कनेक्ट किया है, इन दोनों पॉइंट्स पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके देखेंगे। तो पहले सीरीज कनेक्शन में मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूँ। ये है मेरा एक वोल्टेज वी। सिमिलरली इस पर्टिकुलर पैरेलल कनेक्शन में भी मैं वोल्टेज अप्लाई करता हूँ, ये भी है मेरा पर्टिकुलर वोल्टेज वी। अब यहाँ से जो प्लस टर्मिनल से हम जो करंट इमर्ज होगी, करंट निकलेगी, उस करंट के पास आगे जाने पे एक ही पाथ दिखेगा, जिसमें वो R1, R2, R3 तीनों पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को क्रॉस करता हुआ निगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वोल्टेज से करंट इमर्ज हो रही है, तो पूरे रेजिस्टेंसेस में करंट जो है वो एक ही करंट फ्लो हो रही है। तो हमें यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू सेम, मींस सेम करंट इज फ्लोइंग इन ऑल थ्री रेजिस्टेंसेस। यहाँ पे अब हम देखते हैं पैरेलल में, पैरेलल में करंट इमर्ज होगी प्लस से, तो करंट के पास इस पॉइंट पे तीन पाथ मिलेंगे। अब ये तीन पाथ जो दिख रहे हैं, मैंने इसके पहले लेक्चर में आपको बताया कि थ्री या थ्री से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट किसी पॉइंट से कनेक्ट होते हैं, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं जंक्शन। तो इस पर्टिकुलर जंक्शन पे आके करंट जो है उसे अब तीन पाथ दिखाई देंगे, R1, R2, R3। ये तीनों पाथ अलग अलग रेजिस्टेंसेस हैं, तो करंट जो है वो उस पाथ पे अपना ज़्यादा मैग्नीट्यूड को फ्लो करेगा जहाँ पे रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। तो इन रेजिस्टेंसेस के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी वाइज कम रेजिस्टेंस में सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होगी, वो करंट इस मेन करंट से डिवाइड हो जाएगी। अगर इस मेन करंट का नाम आई है, तो यहाँ पे सबसे कम वाले रेजिस्टेंस में सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होगी, और वो डिवाइड होके हो जाएगी I1। इसी तरह दूसरे रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट I2, एंड तीसरे में फ्लो होने वाला करंट I3। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं करंट जो है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगेन ये थ्री पार्ट्स के करंट जो हैं इस पॉइंट पे आके वापस जुड़ जाएंगे, और वापस ये करंट I फिर से जाके निगेटिव में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि इन दो पॉइंट पे KCL जो है अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे इस पे बात करें सीरीज में, तो हमारे पास जो वोल्टेज है उस वोल्टेज का यहाँ पे तीन रेजिस्टेंसेस में ड्रॉप्स हो रहे हैं, डिसिपेशन हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है थ्री अलग अलग वोल्टेज के ड्रॉप हमें मिलेंगे। एक ड्रॉप मुझे R1 में मिलेगा, जिसे मैं कह सकता हूँ V1। एक मुझे मिलेगा R2 में, जिसे कह सकता हूँ V2। और सिमिलरली एक R3 में मिलने वाला वोल्टेज ड्रॉप V3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं वोल्टेज इज डिवाइडेड।
एंड करंट इज सेम। सिमिलरली यहाँ पे हम देखें तो इन तीनों रेजिस्टेंस के इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इस वोल्टेज का प्लस एक कॉमन पॉइंट दिख रहा है। सिमिलरली ये नेगेटिव कॉमन पॉइंट मुझे यहाँ दिख रहा है और ये सेम वोल्टेज के पॉइंट्स तीनों रेजिस्टेंस के लिए सेम है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज जो है वो सेम होता है जबकि करंट जो है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसलिए दिस इज डिवाइडेड। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि सीरीज एंड पैरेलल में अगर हम कैलकुलेशन करें तो ओवरऑल रेजिस्टेंस इंटरकनेक्शन के बाद क्या आता है, तो उस डेरिवेशन को हम देखते हैं। तो यहाँ पे सीरीज कनेक्शन मैंने तीन रेजिस्टेंसेस लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वोल्टेज V मैंने अप्लाई किया था जिससे तीन वोल्टेज ड्रॉप्स मुझे यहाँ पे मिलते हैं V1, V2 और V3। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे V1 क्या होगा तो V1 जो ड्रॉप है वो इस करंट के साथ इस रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन करने पर आएगा, दैट इज I इंटू R1। सिमिलरली अगर मैं V2 निकालूँ तो V2 इज इक्वल टू I इंटू R2 एंड V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। ये तीनों ड्रॉप्स मुझे मिल गए हैं। इसके बाद हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमें ये कहता है कि किसी भी क्लोज्ड लूप में, किसी भी क्लोज्ड सर्किट में जितना भी वोल्टेज का हम राइज करते हैं वो टोटल वोल्टेज का ड्रॉप इस सर्किट में हो जाता है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज राइज है वो ये V है और टोटल वोल्टेज ड्रॉप्स जो हो रहे हैं वो V1 प्लस V2 प्लस V3 हो रहे हैं। तो अब इस V1, V2, V3 की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली है इसे हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इससे अगर हम I कॉमन निकालें तो मेरे पास बचता है IR1 प्लस R2 प्लस R3। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं V अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगेन इस V बाई I को हम लिख सकते हैं दैट इज टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस, देन इट इज कॉल्ड एज R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो दिस इज माई डेरिवेशन फॉर या दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सीरीज कनेक्शन जिसमें मेरे पास R1, R2, R3 आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। अब हम देखते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में हम इस तरह का ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। इस यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं पैरेलल कनेक्शन के ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालने के बारे में। तो यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस मैंने पैरेलल में लगाया है जहाँ पे तीन करंट्स जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं। तो फ्रेंड्स इससे पहले जो मैंने सीरीज कनेक्शन में जो रूल अप्लाई किया था वो था KVL, क्योंकि वहाँ पे जो डिवाइड होने वाला पार्ट था वो था वोल्टेज पर यहाँ पे डिवाइड होने वाला जो पार्ट है वो है करंट। तो यहाँ पे मुझे अप्लाई करना होगा KCL किरचॉफ्स करंट लॉ। तो इस पर्टिकुलर जंक्शन पे किरचॉफ्स KCL में अगर मैं अप्लाई करूँ तो KCL का स्टेटमेंट होता है कि टोटल इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट अराउंड अ जंक्शन। तो यहाँ पे मेरे पास दो पार्ट हो जाएंगे, एक जो है टोटल इनकमिंग करंट जो आई इस पर्टिकुलर प्लस पॉइंट पे आ रहा है दैट इज आई, और टोटल आउटगोइंग करंट तीन है मेरे पास I1 प्लस I2 प्लस I3। तो मेरे पास जो है ओम्स का एक फंडामेंटल लॉ है जिसमें मैं करंट निकाल सकता हूँ I इज इक्वल टू V बाई R से। तो यहाँ पे सारे रेजिस्टेंसेस में वोल्टेज तो सेम है तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख सकता हूँ I1 की वैल्यू को I1 इज इक्वल टू V बाई R1 क्योंकि ये करंट R1 में फ्लो हो रहा है। सिमिलरली I2 इज इक्वल टू V बाई R2 और थर्ड में मैं लिख सकता हूँ I3 इज इक्वल टू
वी बाई आर थ्री, इन तीनों वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे पुटअप करता हूँ तो आ जाएगा मेरे पास वी बाई आर वन प्लस वी बाई आर टू प्लस वी बाई आर थ्री, दैट इज इक्वल टू आई। अब यहाँ पे मैं वी को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास मिलेगा आई वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। वी को अब मैं वापस आई के नीचे लाता हूँ तो मुझे मिलेगा आई बाई वी इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। सो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर जो इक्वेशन आपको दिख रहा है आई बाई वी, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वन अपॉन वी बाई आई, जो कि सेम हो जाएगा पलटने के बाद आई बाई वी। तो यहाँ पे जो ये है पर्टिकुलर वी बाई आई, दैट इज टोटल वोल्टेज बाई टोटल करंट, एंड टोटल वोल्टेज बाई टोटल करंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं वन बाई आर टोटल। तो यहाँ पे मेरे पास जो एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है दैट इज द कंप्लीट ओवरऑल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन का हमने डेरिवेशन किया। अब कुछ कंक्लूजन की बात करें हम, तो यहाँ पे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर हम बात करें सीरीज कनेक्शन की और हम बात करें पैरेलल कनेक्शन की, तो फिर से मैं कंक्लूड करूं तो सीरीज में करंट जो है वो सेम होता है, यहाँ पे वोल्टेज जो है वो सेम होता है, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड होती है, यहाँ पे करंट डिवाइड होती है। सीरीज में जनरली हम केवीएल अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम केसीएल अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ओवरऑल रेजिस्टेंस हमें हमेशा इंक्रीज्ड मिलता है। अगर तीन रेजिस्टेंस को हम करें तो ये इसका तीनों का सम मिलता है, जबकि पैरेलल में हम जनरली रेसिप्रोकल यूज़ करते हैं, इसलिए पैरेलल में रेजिस्टेंस हमेशा कम मिलता है जो हम एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक कंक्लूजन था जिसमें सीरीज एंड पैरेलल के बारे में मैंने कुछ कंक्लूजन दिए आपको, साथ ही आपने देखा इसके डेरिवेशंस को। तो इसके आगे के वीडियो के अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे के सेम वीडियोस आपको लेक्चर्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।